नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जस्टिन हिंदी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करने पर यह आपका जीवन बदल सकते हैं। कभी कभी इन नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। आज हम आपको इन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। दूसरी बात, थाली में कभी झूठन न छोड़ें। तीसरी बात, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, टेबल या आसन पर सम्मान के साथ रखें। चौथी बात, खाने की थाली को हमेशा एक हाथ से ना पकड़ें। इस प्रकार से खाना प्रेत योनि के प्राणी खाते हैं। भोजन की थाली को हमेशा दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए। पांचवी बात, भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ऊपर भी ना रखें। छठी बात, रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें, या तो उन्हें मांझकर साफ कर दें या गंदे बर्तनों को घर से बाहर की तरफ रखें। सातवीं बात, भोजन करने से पहले अन्न का भोग ग्रहण करने के लिए देवताओं का आवाहन जरूर करें। आठवीं बात, परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें, अकेले भोजन ना करें। नौवीं बात, भोजन करते समय वार्तालाप या क्रोध कदापि न करें, क्रोध करने पर भोजन विष्ठा समान हो जाता है। दसवीं बात, भोजन करते समय अजीब सी आवाजें ना निकालें। ग्यारहवीं बात, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी जी का निरादर होता है, अतः जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख व ऐश्वर्य चाहते हों, उन्हें इनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। बारहवीं बात, भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे अगर आपकी कुंडली में राहु संबंधित दोष है तो वो शांत होता है। इसके साथ ही जूते चप्पल पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे अन्नपूर्णा माँ का निरादर होता है। अगर माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई तो माँ लक्ष्मी भी फिर रुष्ट हो जाएंगी। तेरहवीं बात, सुबह मुंह धुले और ब्रश किए बिना चाय या कॉफी कभी नहीं पीनी चाहिए। चौदहवीं बात, झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और आदरणीय व्यक्तियों को स्पर्श कदापि न करें। पंद्रहवीं बात, नल से पानी का लगातार टपकना आर्थिक हानि होने का संकेत है, इसलिए अगर आपके घर में भी किसी नल से लगातार पानी टपक रहा है तो जल्द से जल्द उस खराब नल को ठीक करवाएं, अन्यथा हानि होने की संभावना बनी रहेगी। सोलहवीं बात, अगर घर में किसी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो तत्काल उस बर्तन को प्रयोग से बाहर कर दें या ठीक करवा दें। सत्रहवीं बात, परिवार में आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों की बातें सुनने और समझने की क्षमता बनाए रखें। आप अपने विचारों और मान्यताओं के अनुसार ही घर चलाने का प्रयास न करें, सही बातों पर सभी का समर्थन जरूर लें। अठारहवीं बात, झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नजर न पड़े, उसे हमेशा छुपा कर रखें। उन्नीसवीं बात, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बीसवीं बात, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। इक्कीसवीं बात, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि घर के चारों कोने साफ हों और विशेषकर ईशान कोण, वायव्य कोण और उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा और खुला रखें। बाईसवीं बात, झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। कई बार लोग जल्दी में ऐसी गलती कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तेईसवीं बात, दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। यहाँ कुछ न कुछ निर्माण कार्य अवश्य करा देना चाहिए। चौबीसवीं बात, घर में काले, कत्थई, मटमैले, बैंगनी और जामुनी रंग का इस्तेमाल न करें और न ही इस रंग के घर में पर्दे होने चाहिए। घर की दीवारें भी इन रंगों में नहीं रंगी होनी चाहिए। पच्चीसवीं बात, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। छब्बीसवीं बात, घर में दीवारों पर, छतों पर या फर्श पर दरार न पड़ने दें, अगर कहीं दरार दिखाई दे तो उन्हें तुरंत ठीक करवा दें, घरों में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। सत्ताईसवीं बात, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। अट्ठाईसवीं बात, घर की स्त्रियों का सम्मान करें। उनतीसवीं बात, पैसों से भरे अपने पर्स या वॉलेट को पैंट की पिछली जेब में न रखें।
तीसरी बात, अगर शर्ट या पैंट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर ना निकलें। 31वीं बात, रोज अपना मुंह अच्छे से साफ करें और अपने दांतों को साफ और चमकदार बनाए रखें। 32वीं बात, झूठ बोलने से घर की उन्नति रुक जाती है, इसलिए कभी झूठ ना बोलें। 33वीं बात, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। 34वीं बात, अपने बाल और नाखून को बढ़ाकर ना रखें। 35वीं बात, किसी देवी या देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर अपने घर में ना रखें। 36वीं बात, प्रतिदिन शरीर के सभी खुले अंगों को 3 बार जल से धोएं, सुबह, शाम और दोपहर को। 37वीं बात, पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या तस्वीर घर के किसी अन्य हिस्से में ना लगाएं। 38वीं बात, घर में या घर की किसी भी जगह मकड़ी का जाला न बनने दें। 39वीं बात, घर के मंदिर में देवता की 2 तस्वीरें ऐसी ना लगाएं कि उनके मुख आमने सामने हों। 40वीं बात, देवी देवता की तस्वीरें कभी भी नैऋत्य कोण में ना लगाएं, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। 41वीं बात, घर में कभी भी कचरा या कूड़ा जमा न होने दें। इसके अलावा छप्पर पर कभी भी बांस इत्यादि न रखें। 42वीं बात, अगर मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो प्रत्येक शनिवार को किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। 43वीं बात, धन रखने के स्थान या तिजोरी में चंदन की लकड़ी या इत्र की शीशी भी रख सकते हैं, जिससे कि उस स्थान में सुगंध बनी रहे। 44वीं बात, तिजोरी में हल्दी की गांठ किसी पीले कपड़े में बांधकर रखें और साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी के सिक्के और कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। 45वीं बात, घर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल और हार के सूख जाने पर उन्हें घर में ना रखें। 46वीं बात, रोज रात को सोने से पहले अपने हाथ और पैर को अच्छी तरह से धोएं, ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव आपसे दूर रहते हैं। 47वीं बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदगी से दरिद्रता का आगमन होता है, इसलिए हमेशा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 48वीं बात, धन के फालतू खर्च को रोकने के लिए रात को सोते समय अपने सिर को पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। 49वीं बात, सुबह उठकर अपने बिस्तर को ऐसा ही न छोड़ें, बल्कि उसे सुव्यवस्थित करके जाएं। 50वीं बात, अगर आप घर का कोई टूटा हुआ सामान उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए ऐसा कदापि न करें। 51वीं बात, जो व्यक्ति अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं उन्हें अपने जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमेशा अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्च को विस्तार दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे जस्ट इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा। धन्यवाद।